क्या आपने भी अपने गार्डन में मनी प्लांट का पौधा लगाया हुआ है? उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी चल रही है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा और हरा भरा बना रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने जो मनी प्लांट का पौधा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा पौधा कटिंग से उगाया हुआ था और देखिए काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। मेरे पास मनी प्लांट के और भी पौधे हैं, मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम इस पौधे के बारे में कुछ जान लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनी प्लांट को हरी भरी और घनी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये जो मनी प्लांट की जो कटिंग थी उसमें से देखिए कई सारी इसमें से पत्तियां निकल आई हैं और पौधा काफ़ी हेल्दी बना हुआ है। इस पौधे में समय पर फर्टिलाइज़र देता हूँ, उसी से ये मेरा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब दोस्तों, इस मनी प्लांट के पौधे को नमी की आवश्यकता होती है। जितनी नमी बनी रहेगी इस पौधे में, पौधा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो ये देखिए दूसरा पौधा भी दोस्तों जो मनी प्लांट का है वो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही सुंदर इनकी पत्तियाँ हैं। आप भी चाहते हैं कि मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगे और उस पर पत्तियां चमकदार आएं? तो दोस्तों बिल्कुल आपके पौधे पर चमकदार पत्तियां आएंगी और मनी प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये भी मैंने एक गमले में लगाया हुआ है जो कि प्लास्टिक का गमला है मेरे पास। मनी प्लांट के पौधे पर हम सभी प्रकार के फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, उनका हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। पर लेकिन क्या पूरी तरह से पौधा ग्रीन हो जाता है? पूरी तरह से पौधा ग्रीन नहीं हो पाता। तो दोस्तों आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाला हूँ, मनी प्लांट को बिल्कुल हरा भरा घना बना देगा। आप मेरे पौधे देख पा रहे हैं, इस तरह से पौधे आपके घने हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि हर 10 दिन बाद अपने मनी प्लांट के पौधे में जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाला हूँ उसे डालना है, और हर 3 दिन बाद आपको मनी प्लांट में पानी भी डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने कुछ फर्टिलाइज़र लिए हुए हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सामने जो फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं जो मैंने इस पौधों के लिए लिए हुए हैं, यह मनी प्लांट पर बहुत तेज़ी से काम करते हैं, मनी प्लांट के पौधे का विकास अच्छा रखते हैं। तो दोस्तों ये डिब्बे में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑनियन पील फर्टिलाइज़र लिया हुआ है जो कि प्याज के छिलकों के द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। दूसरा, इस जो ये फर्टिलाइज़र आप देख पा रहे हैं, ये मैंने 1 महीने पहले इसमें DAP गलाई हुई है उसका, ये जो कि फर्टिलाइज़र है। अब इसमें से हमें दोस्तों करना क्या है कि हम अपने मनी प्लांट के पौधों में इन दोनों को डालेंगे। इससे हमारे मनी प्लांट में नमी बनी रहेगी और पौधे पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, इसकी पत्तियां चमकदार बन जाएंगी इस फर्टिलाइज़र से। इस फर्टिलाइज़र को मैं हर 3रे दिन थोड़ा थोड़ा डालता हूं। आपको करना क्या है कि हर 3रे दिन थोड़ा थोड़ा आप डालेंगे तो मनी प्लांट का पौधा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि आप पूछो मत। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे पास 2 पौधे हैं अभी, तो मैं इसमें से थोड़ा सा जो कि ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है इसे भी मैं अच्छे से इसमें डाल लेता हूँ। इसमें से करीबन हम 2 से 3 चम्मच इसमें हम डाल लेंगे जो DAP हमने गलाई हुई है 1 महीने पहले। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें से हम इसमें जल्दी से डाल लेते हैं। इससे हमारे पौधे पर इतनी तेज़ी से मनी प्लांट बढ़ने लगेगी और इस पर इतनी पत्तियां हो जाएंगी कि पत्तियों के हमारे पूरा पौधा भर जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जो कि DAP भी डाल ली, इसके अलावा इसमें करीबन 300 ग्राम पानी और मिलाएंगे हम। इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप बाकी पौधों में भी कर सकते हैं, फूलों वाले पौधों में। तो चलिए दोस्तों, फिर इस फर्टिलाइज़र को मैं अपने मनी प्लांट के पौधे में जल्दी से इसे डाले देता हूँ, और से आप जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आप उनमें हर 5 दिन बाद डालोगे तो आपके पौधे पर फूल आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको पौधे के अनुसार ही यह फर्टिलाइज़र लेना होगा। तो दोस्तों जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके पास फूलों की कमी नहीं रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, जो फर्टिलाइज़र मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इसे मैं अपने मनी प्लांट के बड़े जो
पौधा है उसमें मैं अच्छे से इसे पहले डालूंगा। तो इस तरह से आपको अपने मनी प्लांट में यह फर्टिलाइज़र डालना है। जब आप अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल लेंगे और तो दोस्तों आपको मनी प्लांट को छाया में ही रखना है, आपको इसमें बिल्कुल भी धूप नहीं दिखानी है। आपने एक बार मनी प्लांट के पौधे में यह फर्टिलाइज़र डाल दिया तो बाकी सब फर्टिलाइज़रों को आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस तरह से अपने पौधों में यह फर्टिलाइज़र डालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्रदान हो पाए। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।